इसमें आज सुबह में एक गोदाम में सामान उतरा था और आया कि धुआं निकल रहा है नीचे गोदाम में, कुछ आग जैसा दिख रहा है और हम वहां से जब तक आए तब तक आग भीतर पकड़ लिया था, लेकिन जाने का कोई लोकल जो पाइप है एक दो अगल बगल के घर से वहाँ से जहाँ से पानी का पाइप हो लेकर मारे, लेकिन चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान था और कार्टून में पैक कर इसमें आज सुबह में एक गोदाम में सामान उतरा था और 8:30 बजे के लगभग सामान गाड़ी लगाया, उतार दिया, वो चला गया, सारा सामान रखा गया, ताला बंद हो गया। उसके बाद हम चले गए सब्जी लाने के लिए बाजार और वहाँ गए तो इसी में रहते भी हम लोग। तो बेटा का फ़ोन आया कि धुआं निकल रहा है नीचे गोदाम में, कुछ आग जैसा दिख रहा है और हम वहाँ से जब तक आए तब तक आग भीतर पकड़ लिया था, लेकिन जाने का कोई उपाय नहीं था। तब तक हम लोग फायर ब्रिगेड को सूचना दे दिए थे और यहाँ लोकल जो पाइप है एक दो अगल बगल के घर से वहाँ से जहाँ से पानी का पाइप हो लेकर मारे, लेकिन चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान था और कार्टून में पैक करके वो नियंत्रित नहीं हो सकता। क्या क्या सामान था इसके अंदर? इसमें एसी था, फ्रिज था, कूलर था। सब नया था पुराना? नहीं नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल नया। करीब कितना का सामान था इसके अंदर? सामान तो लगभग अब एग्जैक्ट हम कागज देख के बताएंगे, उम्मीद करते हैं 25 लाख से ज़्यादा का होगा। 25 लाख जी। क्या नाम से कंपनी चलाते हैं आप? उषा इंटरप्राइजेज। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार सिंह। आप यहीं रहते हैं? जी।